हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक आगे आगे मिलती हूँ ब्लॉग के साथ। एक्चुअली हम बहुत दिनों से तो ब्लॉग बना नहीं रहे थे, लेकिन जब से रमजान आया कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ब्लॉग बन जाता है। अब आज भी एक्चुअली मुझे जाना था, बट फातिमा ने कहा तारी करके चले जाना काम पे, तो मैंने कहा चलो रुक जाता हूँ। और कल आपको एक्चुअली मैंने फातिमा को दिया एक सरप्राइज। सरप्राइज ऐसा था कि एक मिनट, तो गाइज ये सरप्राइज था जो कि फातिमा को दिया गया है, ये है एक अदद एयर फ्रायर। हमारे पास एयर फ्रायर होने के बावजूद फातिमा बहुत अरसे से मुझे बोलती रही कि इस कंपनी का एयर फ्रायर नहीं, उस कंपनी का एयर फ्रायर। मैंने कहा एयर फ्रायर एयर फ्राइंग करता है यार, वैसे भी हम लोग कितनी फ्राइंग करते हैं। फातिमा ने कहा नहीं, मुझे वही कंपनी का वही वाला वही एयर फ्रायर चाहिए और वही मेरे लिए कारामद साबित होगा। हालांकि मैं एयर फ्रायर का इतना वो नहीं हूं। तो आज हमने क्या सोचा कि आज हम व्लॉग बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि फ्राइंग, नॉर्मल फ्राइंग वर्सेस एयर फ्राइंग और वर्सेस एक पुराना एयर फ्रायर, जो कि मुझे नहीं पता चला कि क्या डिफरेंस है। लेकिन इनको बहुत शौक है कि ये अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं, तेल में डूबी हुई तली हुई चीजें खाएं और उनके चस्के लें, है ना? कि या तो खाऊंगा नहीं और खाऊंगा तो ऐसी चीजें खाऊंगा कि वो यार, अगर आपको खाना है ना, अगर आपको जिंदगी का मजा लेना है तो बस फिर ले लो, सोचो नहीं। तो इतनी कमर्शियल टाइप ब्लॉग क्यों बना रही हो? नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोजे? आज है पहला जुमा रमजान का, तो हमने सोचा है कि ना आप लोगों के साथ जो है वो ब्लॉग स्पेंड करें हम। फाइनली कवर को मुझ पे तरस आ गया कि कोई ऐसी बात नहीं, पुराने वाला एयर फ्रायर सही है यार, इसमें कोई ऐसा। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये एयर फ्रायर है ऑलरेडी। और यार बल्कि इसमें फ्राइंग करके दिखाते हैं कि इसकी एयर फ्राइंग तुम्हें क्यों समझ नहीं आती। इसमें मैं आपको फ्राइंग करके दिखाऊंगी, इसमें कुछ इश्यूज हैं, वो इश्यूज मैं आपको बताऊंगी। और अभी जो न्यू एयर फ्रायर है वो हमने सुना हुआ तो है कि बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट देखे हुए, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम। और मैं कढ़ाई के अंदर फ्राई करूंगा, फातिमा नए एयर फ्रायर के अंदर करेगी और पुराने एयर फ्रायर के अंदर करेगा अमीर। सही है अमीर? आप एक काम करना ना, आप कढ़ाई में फ्राई करना, एक बाइट समोसे का लेना, एक चम्मच ऑयल का भर के ना वो पी भी लेना साथ में हर बाइट, भूख जाना तेल के अंदर। अमीर ये फनी बात है, अलमीर हेल्थ कॉन्शियस है, अलमीर फनी बात है, अलमीर सही बताओ ये फनी बात है। आज से मैं अलमीर को एयर फ्राइड चीजें खिलाऊंगी, बच्चों को भी। हो गया काम, हो गया। अभी तक तो मुझे लग रहा है सारी एयर फ्राइंग किधर, हेलो भाई साहब, अभी तो सारे मेरे बैच की कोई इज्जत करें। ओए आपका, ओहो यार ये आपका नाम गिर गया मेरे से, सॉरी 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 सॉरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो गाइस मुझे स्कूल में मिला बैच, हाँ, उर्दू के टेस्ट के ऊपर। अलमीर अरसलान, उसके बैग पे क्या लिखा है? अच्छी कारकर्दगी, वाह 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 वाह, लाओ ये बैच। अच्छी कार है क्या रे? अभी आपने और बाबा ने ट्विनिंग की हुई आज, ग्रीन ग्रीन। अभी आपने मेरा गिफ्ट देखा? मेरा गिफ्ट तो तुम गिफ्ट दिखाती रहोगी, इफ्तारी बनाओगी, क्या सीन है, क्या बना रही हो इफ्तारी में? कुछ नहीं, आप तो होते नहीं है ना घर पे, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। अब मैं तो नॉर्मल खाती हूँ, जो खाना पकता है घर का, मैं इफ्तारी आइटम नहीं खाती, बच्चे खाते हैं उनके लिए फ्राई हो जाते हैं, आपके भी बच्चों के साथ फ्राई हो जाएंगे। कब देखा ये आपने? जब यहाँ पे बड़ा हुआ था, मैं उठा हुआ था रात को, सुबह सुबह जब स्कूल जा रहा था। आप पहले ही देख लेते हो सब। ये क्या चीज है? ये नया फ्रायर है, कल रात लाया। तो फिर खैर अभी बन क्या रहा है वो बताओ। देखिए मैं आज जो है वो क्विक सी एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने चीजें बनाई थी रमजान के लिए वो थे ब्रेड रोल और स्प्रिंग रोल, जो कि मैंने पिछले रमजान में बनाए थे तो, और मैंने अभी दो दिन पहले ही खाए थे, तो रेसिपी शेयर कर ली थी हमने ब्लॉग में, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो मैं पोटैटो चिकन क्रॉकेट्स बनाऊंगी उसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ, तो वो जल्दी से क्विक रेसिपी हम शेयर करेंगे। भाई जल्दी से शेयर करें, जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से सारी करेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे। और हाँ 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 हाँ, एक मिनट, ओ इतने सारे वर्ड्स कौन से? ये उसके लिए, अरे इसका मैनुअल है, इसको ध्यान से रखो, घुमाना देना, इसमें मैं देखूंगी कितने टेंपरेचर पे कितने मिनट फ्राई करना होता है, क्या करें गाइस, इससे सीखेंगे हम लोग यार। ये तो बहुत, तुम अगर अब इसमें सीखने में लग जाओगी फातिमा, तो हम तो खाना कब खाएंगे? ये तो हमारे निकाह नामे जैसा लग रहा है ना, वो भी 4 पेंचेस से बड़े बड़े थे। हाँ यार ये फ्रायर है भाई, ये फ्रायर है,
स्कूल के। कौन से वर्ड जान? जो जो स्कूल से आए थे। आपके हैंड पे लिखे हुए थे ना? मम्मा को वो आए थे। गो शेड हाउस और गाइस नए एयर फ्रायर मैं दे दूं तो फिर नए एयर फ्रायर का एक पॉइंट कट होता है क्योंकि अभी मम्मा ये पूरा मैनुअल पढ़ेंगी और उसके बाद खाना पकाएंगी तो टाइम लग जाएगा। यानी कि हमें इफ्तारी की जगह मिलेगा डिनर। आप लोग तो एयर फ्रायर वाला थोड़ी खाओगे, आप तो वो खाओगे ना। हम तो सादा माल खाएंगे, नहीं सादा देसी माल, देसी माल। तो यार मैं दिखा देता हूँ भाई पब्लिक को, ये एयर फ्रायर गाइस। अभी इसके अंदर यार ये टूट ना जाए, खैर मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे कुल नहीं रहा। और ये पुराना माल। हाँ जी गाइस, आपको बोले जजो में का क्या फायदा? जो भी बनूंगा वो सब खाऊंगा, जो भी ऑयल भी बनेगा वो भी खाऊंगा मैं, जो नए एयर फ्रायर में बनेगा वो भी खाऊंगा, और जो पुराने एयर फ्रायर में बनेगा वो भी खाऊंगा मैं। आप वाटरमेलन जूस पी कर देखिए। आपको वाटरमेलन जूस पसंद है? नहीं आपने बनाया वाटरमेलन जूस? ये क्या है? आपको नहीं अच्छा? मेरा तो रोजा है जान। अरे रोजे में यार? नहीं 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 प्लीज यार प्लीज प्लीज। आपके स्कूल के वर्ड्स कहाँ हैं फातिमा? इसके स्कूल के वर्ड्स कहाँ हैं? अच्छा जी, तो हमें जो चिकन क्रॉकेट्स बनाने के लिए, चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, वो मैंने लिया है 250 ग्राम्स चिकन, मैंने बॉईल करके श्रेड कर दिया है, ठीक है ना। और ये मैंने पोटैटोज़ लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 बड़े पोटैटोज़ ले लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अंडे 2 फेंट दिए हैं, ये चॉप्ड धनिया है और हरी मिर्चें हैं 2, थोड़ी सी श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है, और बटर लेंगे हम, और ये चिली सॉस है, और उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट्स है आपके जो होता है बेसिक नमक, ब्लैक पेपर, ये मैं मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करूँगी, गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर, थोड़ा सा खटाई पाउडर फॉर दैट वाला टेस्ट, एंड फॉर दैट टिस्क, ऑरेगानो लीव्स और क्रश चिली। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोटैटोज लेंगे और इसको हम मैश कर देंगे अच्छे से, जैसे हम मैश पोटैटो बनाते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे बटर, ये तकरीबन, इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप लोग डाल सकते हैं जितने भी आपको स्पाइसेस चाहिए। क्रश चिली डालेंगे हम, मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। गार्लिक पाउडर डालूंगी, ये भी तकरीबन अंदाजे से ही डालती हूँ मैं, इतना 1 टीस्पून तक डाल रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून डालूंगी। वाइट पेपर, ये तो जितनी डले उतनी अच्छी लगती है वाइट पेपर ना, उसका मजे का टेस्ट आता है। इतना नहीं भरो, इतनी भी अच्छी नहीं लगती। बैलेंस जरूरी है, बैलेंस। हाँ, किस चीज में? लाइफ में, मसालों में, स्पाइस में, मैरिड लाइफ में, मैरिड लाइफ में, सब में, सब में। थोड़ा सा खटाई पाउडर डालूंगी, जस्ट लाइक 3-4 pinches, लाइक 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेगानो लीव्स, वैसे यहाँ से खुलता है लेकिन मुझे वो इजी लगता है थोड़ा खोल के अपने हिसाब से डालना। सही है, तो बॉस इसको हम डालेंगे, चिकन को इसमें डालेंगे। ये सॉसेस रह गए, कौन सी? ये वाली। सही है, तो थोड़ा सा हम इसमें चिली सॉस भी डालेंगे। शेफ को सॉसेस भी याद नहीं है।
या मैंने सोचा मैं क्या रेसिपीज देता था यार जब मैं बनाता चिकन के ऊपर से क्या रेसिपीज आती थी ऐसे धमाधम 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 चिकन के ऊपर से उसको डालना चाह रही थी मैं, लेकिन मैं चलो अभी ऐड कर दूं। अब इसको मैं मैश कर दूंगी। चारे जी दबा दे इसको कुछ उम्र कर दे बिल्कुल ऐसे जैसे समझ गया मैं जैसे जैसे बस कर दो जैसे इतने जैसे। सारे ये दुनिया के शोर इतने मजलूम बनते क्यों हैं जबकि ऑपोजिट होती है स्टोरी पूरी। ओए होए कट होए कट 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 गाइस आप देख रहे हैं फातिमा आलू की जैसे पीस रही है बिल्कुल आपने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को ऐसे पीस देना है जैसे कि इस वक्त आलू पिस रहा है। तुम ना आ जाना मेरे हाथ। आलू पिसता है तभी तो समोसा बनता है। वो एक जोक है ना कि वो बीवी दुआ करती कि या अल्लाह मेरे ना हस्बैंड की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दे और फिर खुद ही टाइम हो जाती है। वही होने वाला है। रोजा लग रहा है। ठीक है ये जो आलू हैं ये हमारे बिल्कुल अच्छे से क्रीमी टेक्सचर वाले हो गए हैं। इसको बल्कि और भी हाथ से अभी हम मैश करेंगे क्योंकि श्रेडेड चिकन इसमें हमने ऐड करनी है। ये बॉईल करके आपने हाथ से श्रेड करनी है। इसको मिक्सर में चॉपर में बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि बिल्कुल पूरी क्रश हो जाएगी, कीमा बन जाएगा उसका। ठीक है तो अब इसको हमने हाथ से और थोड़ा कीमा बनाना है इसका। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। ठीक है ना चॉप्ड गार्लिक इसमें गार्लिक बोल रही हूँ चॉप धनिया इसमें आपने डाला कोरिएंडर और ये डालना है। ठीक है ना और इसके बाद बस दुआ करनी है कि अच्छा सा बन जाए। और इसमें डाली है हमने दो कुरान खानी करवा रहे हैं इसके बाद। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए रोज़ा होता है तो आप चीज़ें चख भी नहीं सकते हैं तो आपने बस दुआ करनी है कि देखें नमक मिर्च है ना वो सही निकले इसके अंदर। बंद करो। तो ये जो हमने ग्रीन चिलीज काटी थी ये इसमें हमने डाल दिए तो इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर क्योंकि कमर को जो है वो स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। अमीर को भी स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। महावीर को स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद हैं। तो गाइस एंड में इसका ये हाल हो जाता है जैसे कबाब जैसा हो जाता है। तो गाइस इसमें जो बनेगा उसके लिए मेरा वोट है और इसमें जो बनेगा वो फातिमा का वोट है। और ये फातिमा से खुल भी नहीं रहा था अभी भी मैंने खोलना सिखाया है। तो गाइस इसमें हमने अच्छे से जो है उसको मैश कर दिया। अब टाइम है इसमें थोड़ी सी चीज़ डालने का। चीज़ी ये श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है। आप थोड़ी सी तो नहीं है फातिमा तो बहुत सारी है। तो इसमें आप ना वो भी यूज़ कर सकते हैं क्या नाम है उसका अपना चेडर भाई चेडर चीज़ वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर इसको फ्राइंग करना है क्योंकि ये फ्राइंग ही असल काम है और तो कोई जिंदगी में और कोई काम नहीं है। ये जो एयर फ्रायर वाले हैं ये बस ऐसे ही है। जी 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 बिल्कुल देखते और हैं। अभी आज हम आपको फर्क दिखाएंगे दिस एयर फ्रायर वर्सेज दिस एयर फ्रायर वर्सेज कढ़ाई वर्सेज कढ़ाई। हाँ तो जब तक अपनी कढ़ाई का इन्होंने प्री हीट कर लिया ऑयल मैं अपने एयर फ्रायर प्री हीट कर देती हूँ। तो ये तो मुझे देखें पता है इसका कि कितना करना होता है। इसका टेम्परेचर 200 पे हुआ हुआ है मैं इसको 10 मिनट्स करूँगी। गाइस ये सेटिस्फेक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सेटिस्फेक्शन मिलती है इसे इसे गरम गरम तेल में डाल के कर लेते हैं क्योंकि वक्त कम है। क्रॉकेट लग सकते हैं क्रॉकेट्स हैं नहीं ये रॉकेट्स हैं। उसको बस आपने ऐसे 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 करते हैं उसके बाद इसको थोड़ा सा बोलना है बेटा थोड़ा सा सुधर जाओ तुम बेटा सुधर जाओ ये वो करके उसको ऐसे करना है। और फिर उसके बाद जो है ना इसको ये अंडे में इसको फेंक देना है बोलना है ठीक है अब तुम अपने ओन पे हो तुमने जो भी करना है ना वो खुद ही करना है। और उसके बाद इसको बाद अंडे से निकाल के इसको सहरा में डाल देना है ये ब्रेड क्रम्स के। और फिर इसको ये इसकी नौकरी है ये इसकी नौकरी है इसको इसमें इसके इसके बॉस इसके ऊपर ये बर्डन डाल रहे हैं बर्डन डाल रहे हैं और ये और ये इसके बॉस हैं। और ये बन गए क्रॉकेट्स। तो गाइस मैंने बहुत ही कमाल की कुकिंग कर ली है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं निकाल के भी लाया पका भी लिया बना भी लिया। उस दिन आपने देखा था डार्क ब्राउन कलर के जले हुए थे लेकिन आज आप देखें वो ब्रेड रोल थे उनका कलर ऐसा ही होता है। आज आप देखें जो गोल्डन ब्राउन क्वालिटी आ रही है इसके अंदर दैट इज जस्ट ये बनाया अमेजिंग लुकिंग लाइक अ वाओ। ये बनाए किसने ये सब चीजें इनसे जरा पूछ लो। 1 more point to बाय कढ़ाई बिकॉज ऑफ द टाइम देख रही हूँ मैं सब जज साहब। इट्स टाइम एफिशिएंट राइट इट्स टाइम एफिशिएंट आपको कम टाइम लगेगा। मेरा भी हो गया तेल भर के समोसे पकोड़े बनाए हो गया मेरा भी भाई। लेकिन अगर ये इसको हीट करना पड़ता है क्या प्री हीट जैसे आप लेकिन अगर लेकिन अगर ये अंदर से ठंडे हो तो फिर एक पॉइंट मम्मा को चला जाएगा नहीं होंगे नहीं होंगे ना हो
अच्छा देखिए गाइस, इसको पहले प्री हीट करना होता है, मुझे एयर फ्रायर को चला जाएगा फिर। ठीक है, प्री हीट कर लिया फातिमा ने इसको। गाइस मैं भूल गया था कि क्रॉकेट्स भी बने हुए और मैंने छोड़ दिया, मैंने ये तो फ्राई नहीं किया, ये मैं लेके जा रहा हूँ। बाय। ये देखें फ्राइंग की टेक्निक नंबर वन, ऐसे ऑयल जो है वो क्या होना चाहिए, गरम, होट होना चाहिए, होट होट होना चाहिए। तो गाइस ये आ गए हैं यहाँ पे क्रॉकेट्स। बेसिकली सर एयर फ्रायर वाले ना 10 काम और भी साथ में हैंडल कर रहे हैं, इसलिए जो है ना वो चीज़ें आपकी डिले हो रही हैं। तो मैं चूँकि मैं तो डाइट कॉन्शियस हूँ, इसलिए मैं कम चीज़ें खाऊंगी। ये देखिए गाइस ये गोल्डन ब्राउन कलर के क्रॉकेट्स बन गए। देखिए ऑयल पे हम ऑयल ब्रश कर रहे हैं, ऑयल ब्रश करेंगे, इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और इसको जो है डायरेक्ट इसको हम बटर पेपर इसके अंदर टाइम पे लगा देंगे। सही है, इस पे ऑयल ब्रश किया, ये बंद किया, चलेंगे डायरेक्ट जाएंगे इसके अंदर। चले जी, ये अब जाएंगे इसके अंदर। तुम सिर्फ एक क्रॉकेट खाओगे फातिमा? तो मुझे, मैंने और कितना खाना है, आपने उस एयर फ्रायर में भी पता नहीं इतनी चीजें लगा दी। मैंने तो चार का प्लान बनाया। तो इस एयर फ्रायर के रिजल्ट्स ये तो इसको प्लीज अवॉइड कर दें, ये जो स्प्रिंग रोल फटाफट है। लेकिन ये लोकल कंपनी है तो ये देखें, ये समोसा वाइट है एज इट इज अभी तक इतनी देर में, और ये क्रिस्पी भी नहीं है, सॉगी है। ठीक है, नहीं ये पहले लगाया था और ये अभी इस वाले को हमने कम टाइम लगाया था, ब्लैक वाले को। तो ये जो है इसने जो है वो जबरदस्त फ्राई कर दिया और अंदर से चीज भी ऊज आउट हो रही है क्रॉकेट के। तो ये इसने काफ़ी कम टाइम में जो वो ज़्यादा कर लिया, तो लोकल कंपनी बस। तो अब आप बताएंगे, तो मतलब फातिमा सही थी, मैं मान गया कि फातिमा सही थी, क्योंकि जो हमारे पास एयर फ्रायर है था वो किसी काम का नहीं था, और जो अच्छा एयर फ्रायर है वो अच्छा एयर फ्रायर है। और बाकी टेस्ट में आपको भी टेस्ट करके बताऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है। ओके, जल्दी करो जल्दी करो, आ जाओ बच्चो जी। चलो चलो, आसान हो गई, आसान हो गई। मार दी, यू वांट दिस भाई? नेबरहुड से इफ्तार आ गई है, नेबरहुड से भी गाइस इफ्तार आ गई है। ये है और सबसे ये आइटम जो है ये लज़ानिया। ओह माय गॉड, लज़ानिया मैं खाऊंगा। अभी शक्ल देखो, मैं लज़ानिया खाऊंगा। हां मैं भी। चलो गाइस रोजा खुल गए, सो लेट्स डू इफ्तारी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे? ओह माशाल्लाह, ये बेटा वो है नैंडोस की है, पेरी पेरी सॉस है। गाइस अगर आप लोगों ने रेसिपी अभी तक नहीं देखी ना क्रॉकेट्स की, तो पूरे व्लॉग में पीछे जाएं, जाके क्रॉकेट्स की रेसिपी देखें और उसको ट्राई करें। फातिमा हैंड्स डाउन टू गुड, बहुत जबरदस्त बने। अलमीर इतना नहीं सोचते बेटा, खा लो। सो गाइस ये आ गया अभी एयर फ्राइंग की कुकिंग, गोल्डन ब्राउन एंड लुक्स नाइस, पर लुक्स नाइस एंड क्रिस्पी, थैंक गॉड। जो पिछला वाला था उसमें तो घंटों लगे रहो, वो नहीं होता वो। तो मुझे लगता है फातिमा कि क्रॉकेट जो है ना वो दूसरी फ्राइंग के अंदर सही मजे के लग रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में हमने फ्रेश बनाए थे, अगर थोड़ी देर हम इसको फ्रीज कर देंगे ना फ्रिज में तो वो सही होगा इसका। तो छोड़ ही दें आप, इसका टेस्ट अच्छा है, चलें मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ट्राई करें फ्राइंग से, और बाकी क्रॉकेट में ट्राई करके बताती हूँ। मुझे नहीं पता क्रॉकेट वो वाला कैसा है। इट्स गुड, कम ऑयल में हेल्दी और क्रिस्पी। उसने मम्मा के एक खाने को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ मैं भी बताती हूँ, मैं भी तुम्हें वो मम्मा का लाला हो गया। तो
मम्मा का खाना ज्यादा अच्छा लगा नहीं ज्यादा अच्छा ये पक्का वोट है ये मम्मा का पक्का वोट है चलो बाय बाय कर दो ओके गाइस चलो गाइस तो इफ्तारी हो गई है नमाज का टाइम हो गया मैं जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए बाय।